हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़मैन। मैं हूं कपिल। दिल्ली में अक्सर चुनाव ऐतिहासिक ही होते हैं। दिल्ली की जनता ने हमेशा से जिसको भी जो दिया है वो एक तरह से छप्पर फाड़ के दिया है। जब भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिताया तो छप्पर फाड़ कर जिताया, और अब अरविंद केजरीवाल को जिता रही है तो छप्पर फाड़ कर जिता रही है। पिछली बार 70 में से 66 सीटें केजरीवाल जी के पास थीं, आम आदमी पार्टी के पास थीं, और इस बार भी 70 में से 60 प्लस सीटें उनकी आ रही हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जहां कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला, वो हाशिए पे चली गई है पार्टी, वहीं भाजपा जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके पास कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जैसे होम मिनिस्टर हैं, वो भी हिला नहीं पाई। उन्होंने अपने मुद्दे दिए, धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहा दिल्ली में, और यूनिवर्सिटियों से टकराए, वो स्टूडेंट से टकराए, जेएनयू के छात्रों की पिटाई हुई, जामिया के छात्रों की पिटाई हुई, और केजरीवाल तक को आतंकवादी कहा गया। कई और स्लोगन्स आए जो कि डेरोगेटरी थे, लेकिन उन पर कोई लगाम नहीं कसी गई पार्टी आलाकमान की तरफ से, और नतीजा सबके सामने है। ये जो दिल्ली है ये एक मिनी इंडिया जैसा है। यहाँ हर प्रांत का आदमी है, यहाँ हर भाषा का आदमी है, हर धर्म का आदमी है, और मुझे लगता है कि जब वो दिल्ली आता है, चूँकि ये एक इकोनॉमिक कैपिटल के हिसाब से भी लोग रोज़ी रोटी कमाने यहाँ आते हैं, तो धर्म, जाति और भाषा, प्रांत, ये सवाल शायद पीछे छूट जाते हैं। और लोगों को एक बात समझ में आती है कि अगर ज़िंदा रहना है तो इकोनॉमिकली अपने आप को उभारना होगा, और शायद लोगों की समझ इससे फैलती भी है, बढ़ती भी है। मैंने ये देखा कि लोगों ने जब जब शीला दीक्षित को वोट किया, तब तब उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट किया। दिल्ली की जनता को आप जो मर्जी कहिए, लेकिन वोटिंग का पैटर्न तो उसका यही रहता है कि वो डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट डालती है, और इस बार भी उसने डेवलपमेंट के आधार पर वोट डाला है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी के लिए वोट डाला है, आपके बिजली पानी के जो बिल हैं वो नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो ये मुफ्तखोरी है। मेरे ख्याल से ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये एक वेलफेयर चेहरा है सरकार का, जो कि लगभग 29 राज्य की सरकारों को यही करना चाहिए। अगर वो टैक्स लेती है तो टैक्स रिटर्न भी तो होने चाहिए किसी न किसी रूप में। फ्री मेडिकल होना चाहिए, बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन होनी चाहिए। आज मैं टैक्स भी भरूं, और जब मुझे इंश्योरेंस भी लेना पड़े, तो मैं क्यों कर रहा हूं फिर ये सब। स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी हो गई है कि अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, लेकिन अब दिल्ली में ये केस नहीं। दिल्ली में चीज़ें बदली हैं, और बदली हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है।